मेरे रास्ते से हट जा। जो सीखा है आपसे सीखा है। किया था ऋतिक के ब्रांड एम्बेसडर बनने का सफर। कौन सी पहली एड थी जो ऋतिक ने की लेकिन फिर उसके बाद नहीं की? क्या हीरो बनने के लिए सिर्फ अच्छी सूरत ही जरूरी है? आज हम बात करेंगे वॉर्डो के स्टार का ब्रांड बनने की बात। ऋतिक एक ऐसा नाम है जो जनता हर कोई ऋतिक नहीं बन सकता। आपको बता दें ऋतिक रोशन ने सेक्सी लुक की वजह से विज्ञापन बाजार में उन्हें हाथों हाथ लिया। जो पसंदीदा चेहरा, एक तरफ लड़कियां उनकी फिजिक की दीवानी तो बच्चे उनके हीरोइज्म की। 18 साल की फिल्मी करियर में ऋतिक रोशन कई ब्रांड के साथ जुड़े। ऋतिक की सबसे पहली डील कोका कोला के साथ ही, उसके बाद उन्होंने उसे मुड़कर नहीं देखा। 2013 में जो ऋतिक ने कपड़ों का खुद एक ब्रांड HRX शुरू किया। 2018 में टाटा मोटर्स ने अपनी सेडान टाटा टैगोर के लिए ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया। ऋतिक डोनर के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसके अलावा निर्मा वॉशिंग पाउडर, माउंटेन ड्यू, ओपो मोबाइल जैसे कई सारे विज्ञापनों में हमें ऋतिक देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ शक्ल अच्छी होने से वो देश या दुनिया में सबसे खूबसूरत व्यक्ति बन सकते हैं तो वो गलत सोचते हैं। ये भी सच है कि ऋतिक रोशन अपने आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से इतने पॉपुलर है, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने अपनी इसी आकर्षण को 47 इयर्स की उम्र में मेंटेन किया हुआ है। इसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो फिल्म में किसी किरदार को लेकर हो या फिल्म के बाहर। ऋतिक हर काम को परफेक्शन की हद तक करते हैं। इंडस्ट्री में सिर्फ आमिर खान को ही नहीं, ऋतिक को भी परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। प्रोफेशनल जो जिंदगी के अलावा, अगर उनकी पर्सनल जिंदगी की बात करें तो ऋतिक को उनकी पत्नी ने 14 साल की शादी के बाद तलाक दे दिया था। उनके दो बेटे हैं विहान और रिदान, जिनकी परवरिश के लिए ऋतिक तलाक के बाद भी पत्नी सुजान के साथ दोस्ती की तरह रहते हैं और दोनों साथ मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं। ऋतिक सिर्फ अपनी शक्ल और सूरत की वजह से ही नहीं बनाई बल्कि उसमें उनकी सीरत का भी बड़ा हाथ है। ऋतिक को डाउन टू अर्थ कहा जाता है। ऋतिक की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर अगर देखो तो एक ऐसा सितारा दिखेगा जो कि आसमान पर लेकिन बात जमीन पर खड़े होकर करता है। ऋतिक दुनिया के सबसे हैंडसम व्यक्ति है तो वो इसे डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि कोई ऋतिक रोशन नहीं बन सकता। अब ऋतिक अपने वाले प्रोजेक्ट यानी वॉर 2 में बिजी है, जिसमें वो फिर से एक्शन मोड में दिखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी उनकी मूवी का उतना ही इंतजार है जितना हमें। तो उनसे जुड़े कोई और अपडेट्स और नई अपडेट्स से जुड़े हुए सारे वीडियोस पाने के लिए बॉलीगा सीरीज को सब्सक्राइब करिए।